हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू रिमूव पिंपल्स। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी को टीनेज में फेस करनी पड़ती है और मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। तो मैंने इससे कैसे छुटकारा पाया और इसके दागों से, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। हे गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करना है, तो मैं यहाँ पे बेबी जॉनसन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एक कॉटन बॉल में 2 से 3 ड्रॉप्स लेके अपने फेस को क्लीन करूँगी ताकि हमारे फेस पे जो भी डॉट पोल्यूशन, मेकअप, जो भी कुछ रहे वो हमारे फेस से हट जाए और हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आप चाहो तो इसके जगह पर अपना मेकअप रिमूवल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। देन हम फेस वॉश करेंगे। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप अपना फेस वॉश ले लेना। जरूरी नहीं है कि आप यही फेस वॉश यूज़ करोगे, आप जो रेगुलर अपना यूज़ करते हो आप अपना ले लेना। और इससे हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और जब भी आप फेस वॉश अप्लाई करते हो अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में 1 मिनट तक उसे अप्लाई करो ताकि अच्छे से आपके फेस पे आपका फेस क्लीन हो जाए। और अपने लिप्स के अराउंड फेस वॉश कभी अप्लाई मत करना क्योंकि इससे आपके लिप्स काले पड़ जाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट होता है और सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है एलोवेरा। हमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें पेड़ का ओरिजिनल एलोवेरा जेल लेना है। और जब भी आप एलोवेरा अपने पेड़ से तोड़ो, उसे वॉश करके उसका येलो पार्ट ऊपर से हटा दिया करो और फिर उसे बीच से कट करके अपने फेस पे अप्लाई करो। अगर आप इसे डेली फॉलो कर लेते हो तो आपके 100% आपके पिंपल्स चले जाएंगे और उसका कोई दाग धब्बा भी नहीं रहेगा। आपका आपके स्किन टोन में इम्प्रूव होगा। और इससे आपको कुछ नहीं करना, बस हफ्ते में अगर आप चाहो तो 2 से 3 बार भी अपने फेस पे अप्लाई कर लो तो भी बहुत है। अगर आप इसे डेली रूटीन में अपने ऐड कर लेते हो तब तो भाई पूछो ही मत, आपके फेस पे तो पिंपल्स आने के कोई चांसेस ही नहीं है। पर ये डेली कोई फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। पर आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर इसे अप्लाई कर लिया करो और इससे आपके पिंपल्स बहुत ही अच्छी तरह से जाएंगे और कोई भी मार्क्स भी नहीं छोड़ेंगे आपके फेस पे और आपका स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद से आपको बस एलोवेरा का जेल अप्लाई करके आपको अपने हाथ से, बस ये 2 फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस पे मसाज करना है क्योंकि ये फिंगर्स हमारे फेस पे बहुत ही लाइट रहते हैं और बिल्कुल भी प्रेशर हमें अपने फेस पे नहीं देना है। बस आपको हल्के हाथ से मसाज करना है अपने डार्क सर्कल्स के पास से अपने पूरे फेस पे और उसे मसाज करते हुए आपको 10 मिनट तक अपने फेस पे लगा हुआ रहने देना है ताकि वो आपके फेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद से आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। तो मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है तुलसी। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये हर किसी के घर में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं। तुलसी अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स है या फिर पिंपल्स के निशान हैं या बहुत सारे लोगों को चिकन पॉक्स के निशान छोड़ जाते हैं फेस पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसे एक हल में 6 से 7 पत्ते लेने हैं तुलसी के और उसे कूट के अपने फेस पे जहाँ जहाँ आपको निशान है आप उसे अप्लाई कर लो। अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हो तो ये आपके पिंपल्स या फिर उसके निशान जो भी कुछ होंगे चिकन पॉक्स की, ये 100% रिमूव कर देगा। अब बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करता है ये चीज़। आप इसे एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखना। सो गाइस, तो ऐसे ही बस आपको जहाँ जहाँ निशान है आप वहाँ पे अप्लाई कर लो और ये अपने आप ही सूख के गिर जाता है आपके फेस से। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को आगे कौन सी वीडियो देखनी है। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।